दोस्तों कई लोगों के मन में पुलिस वालों को लेकर उनकी इमेज एक आलसी, करप्ट और घूसखोर व्यक्ति की बनी होती है, और यही कारण है कि आज हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट को और इस प्रोफेशन को कई लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन आज हम इसी समस्या पर बात करेंगे एक नई किताब बिहार डायरीज के साथ, जिसे लिखा है आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा जी ने। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा 2018 में आई किताब बिहार डायरीज की, जो कि एक नॉन फिक्शनल क्राइम थ्रिलर बुक है। दोस्तों किताब को लिखा है आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा जी ने। किताब में लगभग 45 चैप्टर हैं, जो लगभग 280 पेजेस के अराउंड है, तो आप इस किताब को आराम से 4 या 5 दिनों में ख़त्म कर लोगे। और एक खास बात यह है कि इस कहानी पे बहुत ही जल्द एक नई मूवी बनने वाली है, जिसको डायरेक्ट करेंगे नीरज पांडे, जिन्होंने इससे पहले स्पेशल 26, एमएस धोनी जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। तो चलिए किताब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी एक असली केस की कहानी है, जहां अमित लोढ़ा बिहार के सबसे खतरनाक गैंगस्टर अशोक महातो और पिंटू महातो को पकड़ते हैं। लेकिन इस कहानी में कई लोगों के और कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। कहानी की बात करूं तो कहानी शुरू होती है 2001 नवाड़ा जेल से, जहां विजय सम्राट नाम का गैंगस्टर जेल में बंद होता है। लेकिन अचानक उसकी गैंग के लोग आकर जेल पर हमला कर देते हैं और अपने लीडर विजय सम्राट को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। गैंग के लोग AK-47 जैसे हथियारों के साथ लैस होते हैं, जिसका मुकाबला पुलिस अधिकारियों की प्यारी 303 नहीं कर पाती, और आखिर में कई पुलिस अधिकारियों को मारकर गैंग के लोग विजय सम्राट और उसके दोस्त होलिक सम्राट को छुड़ाने में कामयाब होते हैं। अब विजय सम्राट और उसके लोग खुलेआम कानून और प्रशासन को ठेंगा दिखाकर चोरी चकारी और कत्लेआम कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ विजय सम्राट ने अब शेखपुरा में अपना दबदबा भी बना लिया होता है। लेकिन तभी उसकी शांति से चल रही जुर्म की दुनिया में काल बनकर आता है SP अमित लोढ़ा। कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम जानेंगे कि आखिर कैसे SP साहब शेखपुरा में जुर्म को खत्म कर शांति बनाते हैं, और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि आखिर क्या क्या दुख और तकलीफें एक पुलिस वाली को आती है विजय सम्राट जैसे खतरनाक गैंगस्टर्स को पकड़ने में। इस किताब को पढ़ने के बाद मैं जरूर कहूंगा कि ऑथर ने इस केस के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर और पुलिस डिपार्टमेंट के वर्किंग एटमॉस्फेयर को भी सामने रखने की पूरी कोशिश की है। कई लोग ये जरूर सोचते होंगे कि एक IPS ऑफिसर की लाइफ बहुत ही ऐश और आराम से गुजरती होगी, पर इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। लगातार और अचानक से होने वाले ट्रांसफर्स, पुलिस स्टेशन की खस्ता हालत और छोटे रैंक वाले अफसरों को टाइम पर सैलरी ना मिलना जैसी कई समस्याओं को भी ऑथर ने खुलकर सामने रखा है। इन सब के अलावा ऑथर ने यह भी बताने की कोशिश की है कि कैसे लोकल MLAs और नेता इन गुंडों को पालते हैं, पर मेरे ख्याल से ये टॉपिक थोड़ा सा फीका रह गया। ऑथर चाहते तो इस टॉपिक में और डीपली बता सकते थे, पर साथ ही साथ ऑथर ने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में हो रहे करप्शन को भी सामने रखा है। ऑथर ने बताया है कि कैसे कई लोग सिफारिशों पर SHO लेवल तक भर्ती हो जाते हैं और विजय सम्राट जैसे गैंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों के कारण सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। पर इन सब बुरी सिचुएशन में ऑथर का सपोर्ट और ढाल बनती है उनकी फैमिली, जहां भले ही ऑथर अपने काम के चलते हुए अपने बच्चों और अपनी वाइफ को टाइम ना देते हों, पर उनकी हर प्रॉब्लम में कदम से कदम मिलाकर सपोर्ट करती है उनकी वाइफ। लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज काफी इजी है और कई कई जगहों पर तो हिंदी का यूज किया गया है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको इस किताब को पढ़ने में कोई भी दिक्कत आने वाली है। मैं इस किताब को 5 में से 3 स्टार ही दूंगा, और अगर सच कहूं तो मुझे इस कहानी में केस को पढ़ने से ज्यादा मजा एक पुलिस वाले की लाइफ को जानने में आया। बाकी कहानी कहीं से भी बोरिंग बिल्कुल नहीं होती। अगर आप IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं या पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप ये किताब जरूर पढ़ें। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि एक पुलिस वाले की लाइफ में क्या क्या चल रहा होता है। अगर आपको क्राइम पेट्रोल जैसे फिक्शनल शोज पसंद है, तो भी आप ये किताब एक बार पढ़ ले। यहाँ आपको पता लगेगा कि आखिर एक पुलिस वाला रियल लाइफ में कैसे केसेस सॉल्व करता है, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपके मन में भी पुलिस ऑफिसर्स की करप्ट इमेज बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो दोस्तों ये था बिहार डायरीज का छोटा सा रिव्यू मेरी तरफ से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने भी ये किताब पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे हेल्प करने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।